सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज आप लोगों की स्पेशल डिमांड आ रही है, तो जो NH 400 वाली है उससे बड़ा परेशान हूँ मैं भी आपकी तरह। भाई बार बार ही बजाज की तरफ से डिले हो रहा है बाइक के लॉन्च में, और अभी भी लगभग 8-10 दिन का डिले है। तो मैंने कहा पहले वही चीज बता देता हूँ कि अभी बाइक जब जैसे आएगी तभी वीडियो बन सकती है, आने से पहले तो बस वही है फोटो वोटो दिखा के वीडियो, वो चीज़ मैं करूँगा नहीं। बाइक आप सबने देख लिया क्या कुछ है, कैसा है, क्या नहीं, आप सबको पता है सारी चीज़ें। तो उस चीज़ के ऊपर बात करने से या उस तरीके से वीडियो बनाने कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैंने कहा पहले अपडेट आपको ये देते हैं। सेकंड चीज़, RS 200 के जैसे आप लोग फैन हो आपको पता है भाई, बजाज ने बीच में एकदम मतलब हर दिन एक नई बाइक अपडेट दे रहे थे, हर दिन एक बाइक दे रहे थे। तो इसका क्या अपडेट है, इसमें अपडेट आएगा नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा उस चीज़ के भी हिंट दे दूंगा इस वीडियो में। और प्लस काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है या फिर ये सवाल बन रहा है कि यार RS हमारी फेवरेट है, ले लें 2024 में या फिर अभी इस बाइक के लिए वेट कर लें। तो मैंने कहा इस चीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ देखो, जिन भी किसी को RS 200 परचेज करनी है, जिस भी किसी का मन है कि हाँ भाई मुझे RS 200 लेनी है, मुझे बढ़िया लगती है, पावर परफॉर्मेंस है, सब कुछ बढ़िया है, तो देखो लेने को तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपग्रेड होगी तो क्या होगा, सिर्फ अब इसके अंदर आप लोगों को ना इंजन इंजन में कुछ अपग्रेड देखने के लिए मिलने वाले नहीं, इंजन एज इट इज सेम देखने के लिए मिलेगा। ये ऑलरेडी BS6 फेज 2 के अंडर आती है, और वही 10-10.5 हज़ार आरपीएम पे इसका 10-10.5 हज़ार पे इसका RPM लिमिटेड कर देता है। और जो इसके अंदर पावर वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, पावर वगैरह सब कुछ सिमिलर देखने के लिए मिलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, जो अपने पास BS4 है उसका मतलब इसके अंदर नहीं है, जो क्लियर कट सी बात है। जिन लोगों को थोड़ा परफॉर्मेंस ये बढ़िया वाली BS3 BS4 वाली रॉ पावर, तो वो चीज़ आपको सेकंड हैंड ही लेनी पड़ेगी। और अगर आपको ये है कि हाँ भाई बाइक न्यू खरीदनी है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अब उन लोगों के लिए भी जवाब मिल जाएगा जिनको ये है कि भाई हमें अपडेटेड चाहिए। तो भाई देखो, शोरूम में मैंने पूछा, ओवरऑल काफ़ी सारी जगह चेक करा, बजाज की तरफ से ऑफिशियली अभी कुछ नहीं है कि भाई RS 200 में अपडेट कब आएगा कब नहीं आएगा। आना तो है पर कब, वो एक सवाल है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ लोग RS 400 का भी पूछते हैं, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए वेट करना। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई जिन लोगों को लेनी है ले लो, 2024 में वेट करना है, कोई सेंस नहीं है, अभी कोई अपडेट नहीं है कंपनी की तरफ से कि इसमें कुछ आएगा नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है। जिन लोगों को ये है कि हाँ भाई RS ही पसंद है, और अभी लेने वालों के लिए एक फ़ायदे की चीज़ ये भी मिल जाएगी आपको, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्योंकि भाई मज़ेदार तो मीटर इसके अंदर यही वाला लगता है देखने में। अब जो वो न्यू वाला है वो वाला भी दिखाता हूँ आपको एक बारी, जो इधर मिलेगा आपको वाला मीटर, जो है भाई ये वाले मीटर के अंदर वाली बातचीत नहीं, वाला मज़ा नहीं है जो होना चाहिए। चाबी निकालनी पड़ेगी, आप लोगों ने देख ही रखा है कैसा कैसा नहीं है। तो ये वाला मीटर अब इतना मेरे को पर्सनली अमेजिंग नहीं लगता है जितना लाजवाब ये वाला मीटर लगता है। 7 DL जिसके अंदर नीडल आती थी, 10-10.5 हज़ार RPM पर बाइक पहुंचती थी, तो एक एडरेनलिन रश आता था, एग्रेशन फील होता था, एक्सेलरेशन में मजा आता था। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भाई इस वाली बाइक के अंदर या फिर RS 200 का जो ओल्ड शेप है, ये वाली करंट शेप है, इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। अब न्यू वाली में से जहाँ तक इसका मीटर हटा देंगे, USD फोक्स कर देंगे, और वही 3-4 अपग्रेड वाली ने कर लिया फॉर्मल से, वही चीज़ें होंगी, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये है कि भैया हम कॉलेज गोइंग है, हमें RS 200 लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो भाई मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी अभी, क्या नाम है, जिसमें मैंने 4 आपको 200 cc की बेस्ट बाइकें दिखाई थी फेयरिंग वाली सारी की सारी। तो उनमें मैंने ये बात बोली थी कि अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी कम मेंटेनेंस वाली बाइक चाहिए जिसके अंदर खर्चा कम से कम हो, तो वहाँ पर भाई RS 200 एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। एवरेज अच्छा मिल जाता है, आफ्टर सेल भी उसकी ठीक ठाक है, और मेंटेनेंस भी बाइक का जो वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से भाई RS 200 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं इसके साथ जो लिमिटेशन है, जिनके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब माइंडसेट पहले से रखना होगा, तो वो बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप इस बाइक को खरीदोगे, फर्स्ट सर्विस कराओगे, सेकंड सर्विस कराओगे, थर्ड सर्विस कराओगे, या फिर ज़्यादा खराब रास्तों में चलाओगे, गड्ढे अड्डों में लेके जाओगे, तो थोड़ी इसकी फेयरिंग लूज हो जाती है, थोड़ी बहुत खड़खड़ फुटफुट की आवाज़ें करने लगती है। तो ओवर द टाइम इसके जो बोल्ट्स रहते हैं उनको खुद से टाइट कर लो या फिर मैकेनिक से करवा लो, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर भाई टायर देते हैं कंपनी, वो इतने कोई बहुत आलीशान नहीं होते हैं, नॉन रेडियल 130 सेक्शन का रियर टायर आता है। थोड़ा लीन वीन कॉर्नर वॉर्नर डिप करना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो टायर्स हैं वो अपग्रेड कराने पड़ेंगे। एक अच्छा टायर मैं भी अपनी RS के अंदर लगवाने वाला हूँ, उस पर जल्दी वीडियो आएगा, RS के ऊपर बढ़िया था, कुछ काम वाम भी करवाएंगे, तो उसके ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाला है, तब आप लोग देख लेना कौन सा टायर लगवा रहा हूँ मैं, क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा कॉर्नर डिप करना है, तो डेफिनेटली आपको रियर टायर तो चेंज कराने की ज़रूरत है, वरना आपको कॉर्नर डिप करने में मज़ा नहीं आता, थोड़ा ज़्यादा लगता है कि भाई कॉन्फिडेंस लैक कर रही है। तो आप इसको लेते हुए एक चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहोगे, पावर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, चलने चलाने में बढ़िया है, भागती है, और पिलियन बिठा के भी चलाओ तो ऐसा नहीं लगता कि आपने पीछे किसी को बिठा रखा है, मर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं RM5 की बात करूँ, उस पर पीछे पिलियन बिठा लो, थोड़ा बहुत अगर एक्सेलरेट करना चाहो, खींचना चाहो ना, तो RS 4 अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ, तो RS 4 का हम ज़्यादा अच्छा कर पाती है, मतलब इसके इंजन में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़्यादा रॉय है ना, तो वो चीज़ इसके अंदर बढ़िया हो पाती है। अब भाई अभी कुछ टाइम पहले इसके अंदर अपडेट आया था, तो उस टाइम पे इन्होंने इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह 2-4 चीज़ें ऐड करी थी, तो रिक्वायरमेंट की जितनी भी चीज़ें वो ऑलरेडी इस बाइक के अंदर आपको मिल जाती हैं। तो जो लोग इस चीज़ का वेट करें कि इसके अंदर अपग्रेड आए तब हम इसे परचेज करें, तो मैं बता दूं इसके अंदर कोई ऐसा अपडेट नहीं आएगा कि आपको पूरी बाइक के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिले। अपडेट जो भी आएगा उसमें थोड़े बहुत ही माइनर से चेंजेस मिलेंगे,
तो मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन है, अगर 2024 में सोच रहे हो कि हाँ बाइक लेनी है, RS 200 लेनी है, तो ले लो, लेने में कोई गिल्ट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं मनाओगे कि यार काश वेट कर लिया होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने NS के लिए, इस वाली के लिए वेट करा, न्यू शेप वाली के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे वो चाहते थे कि यार इससे तो अच्छा है, इससे पुराने वाली है। हाँ, यहाँ पे शोरूम पे एक बाइक खड़ी हुई है 2022 या 2023 वेरिएंट है की, अगर किसी को NS 200 लेनी हो तो वो आप लोग आके आके यहाँ पे परचेज कर सकते हो। एक नॉर्मल NS 200 लगभग कॉस्ट करते हैं 1.86 लाख रुपीज, उसके ऊपर हैवी डिस्काउंट चल रहा है क्लोज टू 170 या 168 की 167, जितने की भी आपके लिए बेस्ट प्राइस जो अवेलेबल हो पाएगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस बाइक के लिए अगर आप लोगों को कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अवेलेबल कर रखी है, आप लोग जाओ जाके वहाँ से वो सारी डिटेल्स ले सकते हो और यहाँ पे आके डील ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेस भाई हमें वो ओल्ड शेप वाला मीटर चाहिए, वो निडल वाला चाहिए, तो वो एक बाइक खड़ी है अभी यहाँ पे, तो वो चीज़ आप लोग अगर चाहो तो आके परचेस कर सकते हो। प्रॉपर अपनी R&D कर लो, PDI वगैरह कर लो, जो चेक करना है कर लो, बाइक ओके रिपोर्ट है, ब्रांड न्यू बाइक है, फर्स्ट ऑनर आप बनोगे बाइक के। उसके अलावा भाई देखो RS 200 के अंदर जो एक कमी हो रही है, इसके अंदर जो क्लच चाहिए ये नॉर्मल मिलता है, स्लीपर क्लच इसके अंदर नहीं देते भाई 2024 में भी, तो ये एक चीज़ भाई इसमें बजाज को थोड़ी सी शॉर्ट करनी चाहिए कि क्यों भाई स्लीपर क्लच को नहीं देते हो, उसके अंदर भी देने लग गए अब तो बढ़िया वाला क्लच आ जाएगा, बहुत स्मूथ आता है, तो इसके अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। और इसका तो भाई बेस्ट इन द सेगमेंट है, ये देखो N250 F250 का जो क्लच है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। चीज़ और है भाई देखो, अगर मैं इस बाइक के ऊपर बैठूंगा ना, और अगर आपकी हाइट कितनी है मान के चलो आपकी हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच है, तब भी आप इस बाइक को इजीली चला सकते हो। थोड़ी हैवी है, वेटेड है बाइक, उसमें दो राय नहीं है, बट कहीं ना कहीं जब चलाते हो ना तो वो वेट थोड़ा सा आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करता है, चलाने में बहुत मजा आता है, नो डाउट मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। और जिसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना वो भी ठीक ठाक है, बट अगर USD आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये एक चीज़ है। थोड़ा बहुत चीज़ें देखो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, वो चीज़ जैसा मैंने आपको पहले बताई। बाकी हाँ, डुअल चैनल ABS वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, सारे रिक्वायरमेंट के फीचर है, कोई फैंसी फीचर नहीं है इसके अंदर, लाइट वगैरह हैलोजन ही आती है, देखो सामने चेक करो, मेरी RS के अंदर भी भाई अभी भी हैलोजन लाइट्स है, मैं उसे चेंज नहीं कराता हूँ, क्यों, क्योंकि हैलोजन के अंदर ही ना इसका जो थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे तो बढ़िया लगता है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है, थ्रो के मामले में कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगती, थ्रो इसका अच्छा है लाइट्स का, और ओवरऑल जो RS की साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, साउंड के मामले में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, साउंड बहुत अच्छी करते हैं, आप लोगों ने सुन रखी होगी कई बारी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इसके ऊपर बैठते हो, जैसे कि देखो ओवरऑल मेरा बॉडी टाइप है, हर किसी के बॉडी टाइप के ऊपर ये बाइक अच्छी जाती है, इन टर्म्स ऑफ लुक्स के मामले में कोई कमी पेशी नहीं लगती है, और जो इसकी लुक एंड डिज़ाइन है उससे भी लोग बोल रहे हैं, वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आती है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा जो चीज़ें उनके ऊपर बजाज काम कर देगी तो लोगों को और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, तो जो एक रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ लोग मतलब मांग भी रहे हैं। और एक जो मतलब आप लोगों का सवाल होगा कि हाँ भाई 2024 में इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो आप लोगों के दिमाग में थॉट्स थे, जो मिथ थे, आई थिंक वो क्लियर हो गए होंगे, तो मेरे हिसाब से तो भाई ग्रीन सिग्नल है, अगर कोई लेने का प्लान कर रहा है तो ले लो, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 2,04,000 कुछ के आसपास ये कॉस्ट करते हैं, दिल्ली के अंदर ऑन रोड अगर लेने का प्लान है तो ले सकते हो। ओवरऑल सारी चीज़ मैंने बता दी, ब्रेकिंग के मामले में RS बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक्स इसकी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे 100 पे चलाओ, 120 पे चलाओ, 130, 140 कितनी भी चलाओ, ब्रेक्स के मामले में परफॉर्मेंस में एक नंबर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और टायर वगैरह मैंने आपको सभी कुछ दिखा दिया, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मैंने दिखा दिया, ऑल LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं, रियर की टेल लाइट भी LED आपको देखने के लिए मिलती है, बस ये जो फ्रंट की मेन हेडलाइट है वही आपको हैलोजन देखने के लिए मिलती है। बट रात के टाइम पर रिस्पांस की बात करी जाए तो मुझे तो ओवरऑल रिस्पांस के मामले में RS की लाइट से अभी तक दिक्कत नहीं हुई है, मैंने नैनीताल का रोड ट्रिप करा था, वहाँ लेके गया था, हाईवे वगैरह पे या फिर पहाड़ों वहाड़ों पे हर जगह लाइट्स में मतलब कोई दिक्कत नहीं लगी है, कहीं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है, वरना लाइट ओके ही है, कोई दिक्कत परेशानी लगी नहीं है। एंड बाकी सारी चीज़ देख लो भाई, यही RS 200 के रिगार्डिंग अगर आपका लेने का प्लान है 2024 में, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एक वीडियो बनाया आप लोगों के जो डाउट्स थे थोड़े वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना, वीडियो पसंद है लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना।